आज इनको 26 डेज हो गए माशाल्लाह से। ये लोग बहुत शरारती हो चुके हैं, अपने घर में तो टिकते ही नहीं, इन्हें बस बाहर घूमना है, कभी इधर भागना कभी उधर। अभी सही से भाग नहीं सकते लेकिन बहुत कोशिश करते हैं कि भागें। देखिए और एक दूसरे के साथ माशाल्लाह से इतना खेल रहे हैं। और हमारे बेबीज़ को हमारे मफिन ने और मिनी ने एक्सेप्ट कर लिया है, सिर्फ बंटू के अलावा हैं ये बंटू के ही बेबीज़, लेकिन वो ज़रा दूर दूर रहता है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। देखें अभी बहुत माशाल्लाह पाले बच्चे हैं। और ये हमारा हमारी ब्राउनी है, इसकी ग्रे आई से देखें आप लोग। और ये हमारा सिम्बा है, ये अभी सो रहा है वरना इसकी आईज दिखाती। और ये देखें मैंने आपको कहा था ना हमारे मफिन ने एक्सेप्ट कर लिया इन्हें, तो दिखाती हूँ आपको। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये लोग कितने हेल्दी हो चुके हैं। ये मिनी है, ये मफिन है, ये हमारी बबली है, और ये है हमारा शेरू बेटा बंटू। मैं बंटू को बुलाऊंगी तो ये इधर देखेगा अभी। बंटू बंटू देखिए कितना पहचानता है अपना नाम, फौरन देखा इसने। चलो खा लो, अच्छा खा लो बंटू। ये और ये हमारा जो है ना इसकी ब्लू आईज, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये दिखाओ, ये देखिए हमारे मैक्सू की ब्लू आईज है। और इसका नाम हमने गलत मैक्स रख दिया, इसका नाम होना चाहिए था छोटा मफिन, क्योंकि जैसी हरकतें ये करता है ना शेम टू शेम वैसी ये करता है शरारती मुन्ना। और ये इतने फौरन अपने घर में रहते ही नहीं है, आपको दिखाऊँगी आगे कैसे भाग भाग के। नो गंदी बात, चलें आईज ब्लू हैं और इनकी तो ग्रे आईज है। दिखाएं अपनी आईज, ये देखिए सही आपको दिख जाए शायद। ओहो मेरा बेटा गिर गया। और ये भी ग्रे आईज वाली हमारी बेटी है, इसकी ब्लू आईज है, ये अभी सो रहा है वरना मैं आपको दिखाती तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी नींद सोते हुए की। और आज हमने नाश्ते में हलवा पूड़ी खाई, मैं आपको दिखाती लेकिन मैं भूल गई दिखाना यहाँ अपने बेटे को ही, क्योंकि ये भाग रहा है इधर उधर। डर लगता है ना कि कुछ पता नहीं बड़े कैट्स का। अभी मैंने कहीं जाने नहीं, बूटे हैं ना, और कैट्स का तो आपको पता नहीं अचानक से अगर इन पे हमला कर लें तो इनको नुकसान पहुंच सकता है। अभी बहुत छोटे हैं हमारे बेबीश। और ये बहुत, ये हमारी एनू जो है ना इतना शोर मचाती है, इसको घर के अंदर बंद कर दो तो जो मैंने इनके घर में खिड़की बनाई थी उससे बाहर निकल कर आ जाती है। और ये मेरी इतनी देखें दांत निकल गए, मुझे काट रही है, ये देखें आप लोग इनके दांत। अल्लाह इतना गंदा काटती है, ये देखें ये देखें ये देखें आप देखें देखिए मुझे काट रही है, ये देखें आप बस इसकी हरकतें। इनके दांत आ गए ना, दांत आ गए छोटे बेबीज के, तो ये काटने की मैं लगी रही कि काट लूँ किसी तरह काट लूँ। ये तो देखें हमारे दोनों बेबीज सो रहे हैं माशाल्लाह से। और आपको बाकी इनकी मम्मा से भी मिलवाती हूँ, और बंटू और मिनी रह गए उनसे भी मिलवाती हूँ आपको मैं। देखें इनके बाल माशाल्लाह से कितने प्यारे हैं, बहुत प्यारे बेबीज हैं, बहुत प्यारे। ये देखें इनके बाल चेक कर, हमारी माँ बच्चों की जो हर वक्त खाने की तलाश में रहती है कि कुछ ना कुछ कहीं से मिल जाए, है ना। आप खाना ढूंढ रही हो ना किचन में, क्या कर लियो, इन्हें बस हर वक्त खाने की पड़ी रहती है, खाना खाना खाना, पता नहीं कौन सा पेट है इनका। और हम आपको अपू दिखाते हैं जो सो रहा है, ये क्या हमारा, ये सो रहा है बंटू। ये फौरन देखता है इसका नाम बुलाओ तो, बंटू क्या कर लियो, अभी सो रहा है तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते, इसको सोने देते हैं। आपको मिनी किधर है अब देखना पड़ेगा। ये लोग एक साथ बैठते ही नहीं, अलग अलग घूमते फिरते रहते हैं, इसलिए इतनी मुश्किल होती है वीडियोस बनाने में। एक साथ हो तो चले वीडियो बना ली जाए। और ये हमारी मिनी ना बस क्या बोले, बेड के नीचे जाके छुप जाती है, इसको इतनी मुश्किल से ढूंढना पड़ता है, परेशान कर देते हैं ये लोग हमें। अभी इंशाल्लाह हम इनका एक प्रॉपर सेटअप कर देंगे ना एक साथ, तो ये एक साथ फिर क्या कहते हैं एक दूसरे के साथ
एडजस्ट भी हो जाएंगे आराम से और एक साथ रह भी सकेंगे जब इनका सेटअप कर देंगे आराम से कि एक साथ ही रहें, फिर ये इधर उधर भी नहीं जाएंगे, तंग नहीं करेंगे, फिर हमें इन्हें ढूंढना भी नहीं पड़ेगा जब इनका एक साथ रूम, छोटा सा कुछ रूम टाइप हम सेटअप बना लेंगे। चलिए अब हमारा लंच टाइम हो गया और लंच में हम आज खिचड़ी खा रहे हैं लाइट सी। किचन से आवाज़ सुनी, इन्हें फेंकते हुए भाग गई। मैक्स मैक्स अभी सारे जाग रहे हैं। मैक्स आइज दिखाइए, ये हमारा मैक्स है माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये हमारी ब्राउनी लेटी भी आराम कर रही हैं। ये हमारी मम्मा तंग कर रही हैं ब्राउनी को। इनके दांत निकल गए, मैं आपको दिखा किसी एक बेबी के उठा के दांत, इसके वाले की दिखाती हूँ। दिखाओ दांत। आई नो मम्मा, ये हमारा ब्लू आईज वाला गुड्डा है, ब्लू आईज वाला। इनकी आईज बहुत खराब हो रही है। ये देखिए ये खेल रहे हैं, बहुत शरारती हैं माशाल्लाह से। मुझे समझ ही नहीं आता कभी ब्लू लगती है इनकी आईज, कभी ग्रे लगती है, लेकिन मैक्स की तो कंफर्म ब्लू आईज है। और ये सिम्बा है ना, इसकी भी आईज ब्लू है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये बहुत ज़ोर से इसने मुझे पकड़ लिया है। ये देखें ये देखें ये देखें, अल्लाह कहाँ आ गए खेलते खेलते, सकून ही नहीं है इन्हें, सकून। ये मिनी प्यार कर रही है क्योंकि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मफिन और मिनी तो कुछ कहते ही नहीं है, लेकिन हम अपने बंटू का आपको रिएक्शन दिखाते हैं। थोड़ा डर डर के रखना पड़ेगा बंटू के पास इसे, लेकिन वो बहुत जैसे हो जाता है बहुत गुस्सा। अभी तो सो रहा है मेरे ख्याल से बंटू। बंटू ये देखें ये देखें, पंटू का रिएक्शन देखें बस आप। ये देखिए, देखा आप लोगों ने, ये बहुत गुस्सा कर रहा है, इसलिए बेबी इसको जल्दी से ले जाना पड़ेगा, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। पिट्टू उठाओ बेबी को, और बेबी उसी के पास जाना चाह रहा है, लेकिन हम उसको जाने नहीं देंगे। उठाओ लेके जाओ अपने बेबी को, कैसे लेके जाती हो, लेके जाओ, चलो खुद जाओ आप बेबी, मम्मा तो गंदी है। हमारी चाय बन रही है शाम की, अभी हम आपको दिखाते हैं शाम के मज़े लेने। बट हमारा बच्चा किधर आए भाई, ये रहा, ये इसको तो सुकून नहीं है भाई, इधर आ जाता है ये इधर भी चला जाता है। आपको जगह दिख रही है बाहर जहाँ कोई सेफ्टी नहीं है, ये वहाँ भी चला जाता है। अभी बच्चों को देख रहे हैं यहाँ बैठ के, बहुत इंजॉय करता है यहाँ बैठना, इसको बहुत पसंद है यहाँ पर बैठना। और हमारा बंटू भी यहाँ बहुत शौक से बैठता है, अभी जैसी मगरिब की अजान होती है वो आकर बैठ जाता है यहाँ पर, जैसे ही बैठा हुआ है। और शाम में तो लाजमी बढ़ती राइट मम्मा, इनकी टाइमिंग। बेबीज यहाँ से बाहर आ रहे थे बाहर पर, इसलिए हमने इनका मुंह इस तरफ कर दिया और बेबीज को अंदर बंद कर दिया ताकि ये बाहर ना निकले। अब इनकी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है, और इन्हें खुला भी नहीं छोड़ सकते। आपने हमारे बंटू का तो रिएक्शन देख ही लिया है कि वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है इन्हें देख कर। और ये देखे कैसे लेटी हुई है, लेटी भी है, लेटा हुआ है ब्राउन, ये तो कंफर्म ही नहीं हो पा रहा ये मेल है या फीमेल है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तो मेल ही लग रहा है। आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि ये मेल है या फीमेल। ये देखिए ये किचन में बैठी हुई है आकर, किचन की स्लिप पर, एक तो बस ये खाने की तलाश में ही चल जाए कुछ। हैं खाना चाहिए आपको, हैं ये मेरी गोद में भी आ जाती है, बहुत प्यारी बेटी है हमारी, ना तंग करती है। चलो जाओ बेबीज के पास, चली जाओ जाओ बेबीज के पास। और ये देखें हमारी मिन्नी क्या कर रही है, ये देखें, ये तो मेरी फ़ोन की दुश्मन है, ये फ़ौरन
इसको मोबाइल चाहिए खेलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। ये देखें लीटकी, देखें कैसे खेलती है हमारी बेटी। बेटी 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 बेटी। और ये इधर हमारी शाम की चाय भी रेडी हो रही है, आपको दिखाती हूँ। शाम की चाय और ये साइड में थोड़ी सी पत्ती आ गई। और मौसम देखें कैसा हो रहा है आज, धुंधला धुंधला सा मौसम हो रहा है, जैसे बाहर धुंध चल रही हो। मौसम हो बहुत प्यारा रहा है। चलें फिर चाय पीते हैं और एंजॉय करते हैं मौसम को। ये देखिए 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 और ये हमारे मम्मी लग गए वाशरूम जाना है। और ये देखिए ये वाशरूम जा रहा है हमारा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए दरवाज़ा खोल दीजिए, ये देखिए वाशरूम जाएगा, जाओ। ये देखिए ये वाशरूम जा रहा है, चलेंगे इसको जाने देते हैं, प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है। माशाल्लाह से ये सारे वाशरूम जाते हैं, बस ये छोटे वाले बेबीज जब बड़े हो जाएंगे तो ये भी सीख जाएंगे। इन्हें देख लीजिए फ्लैश पे बैठा हुआ है वो, नहीं वो माँ छोड़ दें, फ्लैश पे बैठ के फोटो कर रहा है। ये रहा, चले आपको दिखाई देती हूँ, मैंने सोचा हम बहुत क्या कहते हैं क्लीन रखते हैं फ्लैश, ताकि क्या कहते हैं इनके पाँव वगैरह ना हो। ये जब जाते हैं फ़ौरन फिर हम उसके बाद क्लीन कर देते हैं ताकि इनके पाँव गंदे ना हो। ये देखें आप इसकी आइज़ देख सकते हैं, माशाल्लाह से आप दिख रही हैं ब्लू आइज़। अभी एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, और इस वाले की भी मैं आपको दिखाती हूँ ब्लू आइज़ है, सही से दिख जाए, दिखाएं। इसकी थोड़ी लाइट है, इसकी सही से दिख नहीं रही, एक तो बेड भी नहीं रहा ना सब कौन से दिखे। अब गाइस बताएं ब्लू है या ग्रे, आप लोग कमेंट्स करके बताएं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। फर्स्ट टाइम मैंने इतने सारे कैट्स रखे ना और किटन्स, तो मैं ज़रा कन्फ्यूज हूँ। एक मुझे उसका पता भी नहीं चल रहा है ब्राउनी का, जिसका नेम मैंने चेंज पहले क्या कहते हैं कुछ क्या नाम रखा था मम्मा उसका पहले, उसका नाम शायद मैंने पहले मैक्स रखा था, जो वाइट वाले का नाम है मैक्स, लेकिन अभी मुझे कन्फर्म नहीं है कि वो फीमेल है या मेल, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। इसी आराम करने में अपने रूम में आ गई, और ये मेरी चाय, दोबारा से मैंने चाय निकाली, एक तो चाय के बिना मेरा दिल नहीं लगता, जब तक तीन चार दफ़ा दिन में चाय ना पी ली जाए तो। आज हमारे सारे बच्चे एक साथ हैं, आपको दिखाती हूँ। लेटे पड़े हैं, सो रहे हैं, आराम ही ख़त्म नहीं हो रहे इनके। तो अभी देख रहे हैं ये लोग अपने रात का खाना खा रहे हैं चारों एक साथ मिलकर। हम इन्हें एक साथ ऐसे दे दें ताकि ये लोग लड़ाई झगड़ा कम करें और एक साथ मिलकर खाना खाएं। तो गाइस चलें अब थोड़ा काम कर लेते हैं, रोटी बनानी है मुझे, आटा गुन चुका है। और क्या कहते हैं ये मैं आलू के कटलेट्स बना रही हूँ, मम्मा ने आलू बैंगन बना लिए, जो असद तो खाते नहीं है, इसलिए मैं उनके लिए सोच रही हूँ आलू के कटलेट्स बना लूँ। वो दो तीन दिन से कह भी रहे थे कि आलू के कटलेट्स बना लो, चलें फिर रेडी करते हैं, रोटी भी बनानी है कटलेट्स भी बनाने हैं। अरे मैंने अपने लिए पराठा और क्या कहते हैं चाय पराठा बना लिया था मैंने अपने लिए, मेरा दिल कर रहा था चाय पराठा खाने का, तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। गाइस मेरे हस्बैंड आ गए, तो मैंने उनके लिए खाना निकाल दिया। मैंने आपको बताया था वो आलू बैंगन नहीं खाते, तो उनके लिए कबाब बनाए थे कटलेट्स आलू के, वो मुझे बाहर पर बोले थे बनाने को, तो आप खुश हो गए। अब क्या बनाए, कबाब आलू के कटलेट्स हैं, सही है। अब जल्दी खाएं, एक निवाला लें, बताएं कैसे बने। यम्मी, बहुत बेहतरीन बने, वीआईपी बने, मज़ा आ गया। तो नहीं सही, आराम से खाएं, बिस्मिल्लाह करें। चलिए गाइस इंशाल्लाह आपसे कर मिलते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।